तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एवंथ की जो हिंदी है उसका एक चैप्टर है जो जिसका नाम है ज्योतिबा फुले जो कि लिखा गया है सुधा अरोड़ा जी के द्वारा ठीक है तो ज्योतिबा फुले चैप्टर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो बेसिकली इस चैप्टर के माध्यम से हमारे समाज में फैली कुछ कुरीतियों के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा ठीक है तो देख सकते हैं पाठ परिचय हो गया आपका सारांश हो गया वो सभी मैंने लिखा हुआ है अच्छे से तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या जानेंगे आज की हम इस वीडियो में सबसे पहले तो ये जो पिंक कलर में यानी कि इस ये जो बैंगनी कलर है इसमें मैंने अंडरलाइन किया उसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो पार्ट परिचय और आपका सारांश थोड़ा थोड़ा सही है क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ चीज़ें बताई गई हैं लेकिन मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ कम दिखाऊँगा समझाऊँगा देख तो देखिए प्रस्तुत पाठ ज्योतिबा फुले में ज्योतिबा और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के प्रेरक जीवन के चरित्र को दर्शाया गया है शिक्षा का सभी जाति वर्ग वर्ड पर समान अधिकार है उसके लिए फुले दंपत्ति ने जो संघर्ष किया है इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है फुले दंपति ने अछूतों शोषितों महिलाओं विधवाओं आदि के उद्गार उद्वार का प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया इन दोनों ने उस समय उस समय प्रचलित सामाजिक विषमताओं रूढ़ियों व रूढ़ियों का विरोध किया और समाज के निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने ब्राह्मणीवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज़ उठाई उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का ही अधिकार नहीं है बल्कि इस पर सबका अधिकार है ठीक है फिर है कि केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा व्यवस्था हो वह किसी काम की नहीं है उन्होंने शिक्षा पर भी शिक्षा पर भी सभी का हक है और शिक्षा ही समाज में सभी को समानता व शोषण से मुक्ति दिला सकता है यह बात इस बात पर बल दिया उनका मुख्य रूप से यह उद्देश्य था उन्होंने अपनी जो बातें की उनका मूल उद्देश्य बस इतना था कि समाज में स्त्री व पुरुष बराबर हैं और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अधिकार है इस बात को लिए दोनों दंपत्ति को समाज का तिरस्कार व विरोध भी सहना पड़ा यह पाठ उनके इसी संघर्ष समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उसकी उन्हों उनकी जो कहानी है लड़ने की उसके ऊपर बताया गया है यानी कि इस कहानी ये इस कहानी में दो पात्र हैं एक तो ज्योतिबा फुले है और उसकी पत्नी है सावित्री बाई फुले इन दोनों का मानना है कि शिक्षा पर सभी जाति वर्ग वर्ण सभी का समान अधिकार है और इसमें स्त्रियों इस को भी शिक्षा लेने का अधिकार है पूरा का पूरा ठीक है चाहे वो अछूत हो शोषित हो या महिलाओं कोई भी हो सभी को शिक्षा का अधिकार है तो इस शिक्षा के अधिकार को लेके सावित्रीबाई फुले और उसके पति जो है ज्योतिबा फुले उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं उसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है बेसिकली एक व्यंग्य है उस उस समय का हमारे समाज पे ठीक है तो देखिए ये है हमारा लेखिका द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया किंतु सामाजिक विकास के आंदोलन में पांच प्रमुख लोगों में उनका नाम नहीं लिया जाता क्योंकि सूची को बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे यानी कि ऐसे काम करने ऐसे काम करने के लिए जो कुछ लोग हैं उनका नाम लिया जाता है लेकिन इनका नाम नहीं लिया जाता क्यों क्योंकि भाई वो थोड़े उच्च जिन्होंने ये लिखा है वो थोड़े उच्च वर्ग के लोग थे ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं क्या बात करते हैं ये देखिए ज्योति ज्योतिवा फुले ने पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकतावाद पर खुला हमला बोला यानी कि ज्योतिबा फुले ने पूंजीवाद लोगों पर पुरोहितवाद लोगों पर और उनकी जो मानसिकता है उस पर उन्होंने खुला हमला बोला कैसे वर्ण जाति क्या क्या है वर्ण है जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे के पूरक बताया ठीक है गुलामगिरी शेतकर याचा आंसू में विचारों का संकलन किया उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध माता ईसाई बेटा मुस्लिम और और बेटा सत्य धार्मी हो वह परिवार आदर्श परिवार है यानी कि जो ज्योतिबा है उनके अनुसार चाहे एक घर में एक ही धर्म के लोग रहें चाहे एक घर में दस धर्म के लोग रहें उनके अनुसार हा उनके अनुसार हर एक परिवार बहुत ही अच्छा है बहुत ही आदर्श वाला माना जाता है ठीक है महात्मा ज्योतिबा फुले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखें ताकि वे पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्राप्त ना कर सकें और उनकी बराबरी ना कर सकें ठीक है फिर ज्योतिबा फुलों ने ज्योतिबा फुले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की यानी कि ज्योतिबा फुलों ने एक विवाह की रचना विवाह विधि की रचना की क्या उन्होंने तो अपनी इस नई विधि से ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया यानी कि उन्होंने अपनी इस नई विधि में ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति का समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए उसके स्थान पर ऐसे मंत्र रखे जिनमें वर वधु आसानी से समझ सकें यानी कि पहले क्या होता था कि जो शादियाँ होती थी उस दौरान ठीक है तो क्या होता था कि एक तो बच्चे की साथ ही जो बच्चियाँ होती थी मान लीजिए पंद्रह सोलह साल की बाल विवाह हुआ करते थे जो तो उस दौरान जो मंत्र होते थे वो पुरुषों के लिए बोले जाते थे लेकिन ज्योतिबा फूले ने एक नई वी, नई विवाह विधि की रचना की और उन सभी मंत्रों को हटाकर ऐसे मंत्र रचे जो कि एक पति पत्नी जो कि एक वध वधु है, वो उन मंत्रों को इजी से समझ सके, ठीक है उसके बाद अठारह में कब 1888 में ज्योतिबा फुले ने महात्मा की उपाधि को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा यानी कि 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी जा रही थी लेकिन उन्होंने नहीं ली क्यों क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये उपाधि ले लूँगी मैं तो मेरा जो कार्य है वो उसमें वादा आएगा उनकी कथनी उनके आचरण उनके व्यवहार में उतरती हुई देखी उन दिखाई देती थी स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिवा ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया उन्हें मराठी अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया यानी कि ज्योतिबा फुले ने समाज को सुधारने से पहले अपनी पत्नी को सुधारा उन्हें मराठी अंग्रेजी भाषा में पहले पारंगत किया ठीक है उसके बाद सावित्री बाई को पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी सावित्री बाई को पढ़ने की रुचि बचपन बचपन से ही थी एक बार बचपन में लाट साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी घर पहुंचने के पिता ने वह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी सावित्री बाई ने उसे छिपा कर रख दिया तथा विवाह पश्चात शिक्षित होने पर उस पुस्तक को पढ़ा यानी कि देखिए यहाँ पे सावित्री बाई का एक पुस्तक के प्रति उसके प्रेम को यहाँ पे दर्शाया गया कि एक बार जब वह बचपन में लॉर्ड साहब ने उन्हें एक पुस्तक दी थी तो उसने उसे पढ़ा लेकिन घर पहुँचने के बाद पिता ने वह पुस्तक उसकी फेंक दी थी उसने वह पुस्तक छुपा कर रख लिया विवाह के बाद जब वह शिक्षित हो गई तब उसने उस पुस्तक को दोबारा से फिर पढ़ा कि आखिर भाई इस पुस्तक में था क्या ठीक है उसके बाद उससे पहले कि चौदह जनवरी अठारह अड़तालीस को भारत में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना पुणे में हुई अब देखिए ये एक जनरल नॉलेज का भी प्रश्न है कि चौदह जनवरी अठारह सौ अड़तालीस को भारत में पहली कन्या पाठशाला का पाठशाला की स्थापना हुई थी पुणे में जो कि निम्न वर्ग की बालिकाओं के लिए पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की बहुत सावित्रीबाई फुले को बहुत सी बाधाओं तथा तो बहिष्कारों का सामना करना पड़ता ज्योतिबा ज्योतिवा की धर्मवीरू पिता ने भी बहु बेटे को घर से निकाल दिया था यानी कि यहाँ तक कि जो ज्योतिबा के धर्मवीरु पिता ने अपने बहू और बेटे को भी घर से निकाल दिया था इस हद तक उन्हें बाधाओं और बहिष्कारों का जो है वो सामना करना पड़ा था ठीक है तो क्या क्या सावित्री बाई फुल ने यहाँ पे आ, किस तरह से क्या क्या बाधाएं सामना की उसके बारे में बताया जा रहा है सावित्री को तरह तरह से अपमानित किया जा रहा था पर उन्होंने 1840 से 1890 तक 50 वर्षों तक एक प्रण होकर अपना मिशन पूरा किया उन्होंने मिशनरी महिलाओं की तरह किसानों और अछूतों की झुग्गी झोपड़ी में जाकर काम किया वे दलितों को दलितों और शोषितों को एक एक होकर उनके हक में खड़े हो गए महात्मा फुले और सावित्रीबाई को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित एक जीवन मिसाल उनका उनका जो जीवन है वो एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे बन के उड़ा तो देखिए इस चैप्टर के माध्यम से ये बताया गया कि सावित्रीबाई बाई फुल्हे ने क्या क्या काम किए थे उस दौरान और उनका जो मिशन था वो आखिर कामयाब हुआ या नहीं उन्होंने एक नई पाठशाला खोली ठीक है शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया ठीक है और साथ ही साथ उन्होंने आ, अपने जो मतलब कि आप एक चीज़ को अगर ठान लें तो वो आप पूरी कर सकते हैं इस बारे में भी उन्होंने बताया है ठीक है शिक्षा फद सभी का अधिकार है इस चीज़ को यहाँ पे भी बताया गया है ठीक है तो चैप्टर जो था आपका ज्योतिबा फुले सुधा आरो अरोड़ा के द्वारा जो लिखा गया था वो आपको समझ में आया होगा तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो देख सकते हैं जो कहानी के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हाँ। होगी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि भाई हमारा जो चैप्टर है ज्योति व्यापुर वो बहुत ही ईजी है तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम